हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगी, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो जो शूट किया गया है शाम को 5 से 6 बजे के आसपास शूट किया गया है। तो आप 5 या 6 बजे के आसपास भी शूट कर सकते हैं। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके वीडियो में 50 से 60% पार्ट आपको आसमान इसमें दिखना चाहिए और साथ में सूरज जो है इसमें कैप्चर होना चाहिए, तभी आप इस तरह के परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं सेकेंड टाइप का वीडियो जो मैंने शूट किया था, कुछ इस तरह से शूट कर रखा हूँ। तो आप इस तरह के वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी प्रकार का वीडियो आप शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको काइनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद गूगल क्रोम से आपको यहाँ पर एक शाहरुख खान का इमेज और एक सूरज PNG का फोटो डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है आपका वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से चलने का स्टार्ट कर दिया हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो था एक्स्ट्रा था। इसके बाद हम वीडियो को आगे तरफ लेकर आते हैं और यहाँ तक का हमें पार्ट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम स्पीड 2 प्ले हिट कर देते हैं। इसके बाद इस पीछे की तरफ मैंने घूम के देख रहा था मैं सेंटर में खड़ा हूँ नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि तो कैमरा मैंने खुद ही से सेट किया था। इसके बाद हमें कहाँ से सीन लेना है, जहाँ से हम हाथ ऊपर की तरफ करते हैं, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा था तो मैंने रिमूव कर दिया हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह से लेकर आना है ऊपर की तरफ हमें कर, जब तक ऊपर की तरफ ही करते हैं वहीं तक का हमें सीन चाहिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद इस पार्ट को हमें स्लो मोशन करना है, तो सिंपल हम स्लो मोशन भी कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल पे आने के बाद 0.5 कर देना है। ये वीडियो आपका कुछ इस तरह से आप देखने में मिल जाएंगे। वीडियो आपको जब भी शूट करेंगे तो आप जो खड़े हैं वो आपको सेंटर में खड़ा होना चाहिए, तब आप परफेक्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम कुछ आगे की तरफ आए, आगे की तरफ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको सूरज दिखाना है। तो आपको क्या करना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PNG का भी लिंक दे रखे है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम सबसे पहले इसे हम क्रॉप कर देते हैं कुछ इस तरह से। क्रॉप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग पे आएंगे और यहाँ पे आपको ओवरले या फिर मल्टीप्ले कुछ इस तरह से अपने हिसाब से सेलेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा, बड़ा सा कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इसे आपको फुल साइज कर देना है यदि आप नॉर्मल शूट करते हैं तो। अगर इसके बाद आपको जहाँ से आपको लगाना है, तो सिंपल आपको नाइट का सीन शो करना है तो नाइट भी आप शो कर सकते हैं। सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे करना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पे आना है और कुछ इस तरह से नाइट का सीन आप लगा कर सकते हैं। इसके बाद इस पर भी हम नाइट का सीन ऐड कर देता हूँ। कलर एडजस्टमेंट पर आना है, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। लगना चाहिए शाम का टाइम है, अब लग रहा है कि जैसे कि हम शाम को टाइम में वीडियो शूट किया था। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि हम हाथ ऊपर की तरफ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको शाहरुख खान का इमेज सेट करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक और इमेज डाउनलोड कर रखा हूँ गूगल से ही, तो आपको भी कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सही से एडजस्ट करना है और जहाँ तक आपका स्काई दिख रहा है यानी कि आसमान दिख रहा है वहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पर ओवरले मल्टीप्ले करके अपने हिसाब से सेट कर लेना, देख लेना है। स्क्रीन पर आना है तो यहाँ पर मैं मल्टीप्ले कर देता हूँ। ऑपेसिटी को कुछ इस तरह से कम बेस भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओवरले करने देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा दिख रहा है और शाहरुख खान का इमेज भी परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमारा वीडियो हो चुका है तैयार। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को अब मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे जाना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद हमारा वीडियो यहाँ पर तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड ऐड करना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ। वीडियो को आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैची के निशान पर क्लिक करना है, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। अब आपका वीडियो तैयार हो चुका है और आप चाहे अपने वीडियो का कलर चेंज करने के लिए
तो अपने हिसाब से कलर फिल्टर पे आने का, रेड कलर आप करना है तो रेड कलर भी कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलर फिल्टर मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैं सिंपल नॉर्मल ही रहने देता हूँ, इसके बाद डन करना है, क्योंकि आप देख सकते हो ओरिजिनल वीडियो में कुछ रेड कलर क्या रहा था, तो रेड कलर भी कर सकते हैं या फिर कलर एडजस्टमेंट अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। जैसे कि कुछ इस तरह से ऊपर नीचा करने के बाद आपको ना ब्राइटनेस करूँगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसके बाद जो PNG है, PNG को आपको काफ़ी ध्यान से आपको सेट करना है। जैसे कि ये सूरज का जो PNG है, PNG को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना, लगना चाहिए साइड से ये निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद डन करना है। यहाँ पर मैंने आइडियो भी सेट कर चुका हूँ और वीडियो भी ऐड हो चुका है। शेयर पर क्लिक करेंगे, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा है, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।